मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। आज कुछ बात है जो जैसे मैंने बताया था, जो शुरू के जो 3 महीने थे जो मेडिटेशन करते हुए, उसमें तो कुछ अनुभव ऐसा हुआ नहीं था खास कि मैं आपको बता सकता कि जो शुरू के जो 3 महीने थे 4 महीने, तो वो तो ऐसे ही निकल गए लगभग लगभग ध्यान करते हुए। कई बार तो कुछ ऐसा भी समय था कि बीच में उसमें नींद भी आ जाती थी ज़्यादा लंबे समय तक अगर मेडिटेशन करते हैं तो। असल में जो नींद है वो भी किसी कारण आ जाती है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या फिर और कोई भी कारण हो सकता है कि आप ले सोए नहीं है रात को वगैरह, कुछ भी हो सकता है उसका कारण। अब जो जो 3 महीने के बाद जो मुझे अनुभव होना महसूस हुआ, कुछ बातें जो आज के जो व्यक्ति करते हैं मेडिटेशन, जो ध्यान लगाते हैं, शायद उनको भी महसूस होता हुआ ये चीज़ें जो मैं शायद आज आपको बताऊंगा, कुछ अनुभव जो बाद में जब जो मेडिटेशन था वह मैं करता था, तो उसके बाद मुझे लंबे समय हो गया था, जैसे कि मैंने 25 मिनट से आधे घंटे के बीच में उसको करना शुरू कर दिया था। ध्यान करते समय तो शुरू के 10 मिनट तक तो ज़्यादा पता नहीं लगता, जैसे एक विचार होते हैं जो वृत्तियां होती हैं वह एकदम से स्थिरता कम होनी शुरू जाती हैं, तो जिससे आपको एक फोकस बढ़ जाता है, एक आपका फोकस करने का जो दायरा वो और तेजी से बढ़ता है, आपका ध्यान एक प्रकार तरीके से फोकस हो जाता है कि आपका जो झुकाव है वह बाहर की तरफ ना होकर अंदर की तरफ एक ध्यान होना शुरू हो जाता है। ध्यान मतलब निरंतर सांसों को भी देखना कह सकते हैं, जो विपस्सना में हम बोलते हैं जिसको, या फिर एक निर्विचार अवस्था होती है जिसमें हम किसी को ईश्वर को हम निराकार मानते हैं, जिसकी हम कोई तस्वीर अपने मन के अंदर नहीं लाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा लंबे समय तक चलने पर जो है हम कुछ चीज़ें हैं जो शरीर के अंदर जो महसूस कर सकते हैं, जो मैं भी करता था उस समय। तो क्या था, जो विचार थे वह बिल्कुल ही कम हो गए थे, एक तरह से शून्यता पे आ गए थे कि विचार है ही नहीं, पता ही नहीं लगता था। तो उसमें क्या होता था, हम अपनी हार्ट बीट को भी महसूस कर सकते थे, आसानी से सुन सकता था मैं उन चीज़ों को, और अपनी जिस तरीके से एक ऊर्जा होती है शरीर के अंदर, एक एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर दौड़ती है, उसको भी मैं महसूस कर सकता था। अपने हर अंग और इंद्रियों को भी मैं महसूस कर पा रहा था उस समय कि किस तरह से वह अंग किस तरह से महसूस कर रहा है, स्किन किस तरह से हवा को महसूस कर रही है, और जो ध्वनि है जो हम सुनते हैं वह किस तरह से कानों में आ रही है, या फिर जो सांस लेने की एक प्रक्रिया है उसको भी मैं महसूस कर पा रहा था अच्छे तरीके से। क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान करने में क्या होता है कि ध्यान करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि आपके विचार बिल्कुल एक शून्यता पर आने के बाद क्या होता है, आपको समय का ध्यान नहीं रहता है, यानी आपकी जो बॉडी है, मेरे साथ क्या होता था जब मैं ध्यान करते करते ज़्यादा 15-20 मिनट आधे घंटे जब ज़्यादा हो जाता और मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान में था, तो उसमें क्या होता था कि जो विचार रुक जाते थे उसके बाद जो शरीर था उसका अनुभव नहीं होता था। अब वो जो अवस्था होती थी, या तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय हो गया ध्यान करते हुए, तो इसलिए मुझे भी जब 2 साल हो गए थे लगभग, तो मैं 2 समय ध्यान करता था सुबह भी और शाम में भी। तो उसमें क्या होता था कि एक ज़्यादा आधे घंटे ज़्यादा हो जाता, तो एक तो समय का पता ही नहीं रहता था कि आधा घंटा भी हो जाता था, या फिर 35 मिनट 40 मिनट हो जाती थी, ध्यान नहीं रहता था, और जो शरीर था उसको एक तरह से महसूस नहीं होता था कि हाँ अभी ये शरीर है, मेरी आत्मा इसके अंदर है, ये पता नहीं लग पाता था कि हाँ ऐसा लगता था कि आत्मा ही है, फिर निराकार ये एक निर्विचार हर जगह एक ब्रह्मांड की तरह महसूस होता था। तो ऐसा भी होने लगता था, एक लगता था कि बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई है, या महसूस होता था कि बिल्कुल लाइट होने के बाद हल्की 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 जैसे खाई में आदमी कोई गिरता है, तो ऐसे खाई में गिरने का अनुभव भी बहुत बार होता था मुझे। तो लेकिन फिर मैंने 2 टाइम जब मेडिटेशन शुरू करता चला गया, ज़्यादा लंबे समय होता चला गया, फिर उसके बाद और ज़्यादा अनुभव बहुत तेज़ी से आने लगे। तो कुछ इस तरह का अनुभव था कि एक अंदर से आनंद रहता था, या फिर कह सकते हैं किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता था,
बस अपने में ही रहना, अपने ऊपर ध्यान रखना, एक अंदर से प्रसन्नता रहती थी, चेहरे पर मुस्कान। और अगर कुछ चीजें थी जैसे प्रकृति हुई, प्रकृति से जुड़ाव हो गया था कि पेड़ पौधों से, जानवरों से, एक नदी बहना, या फिर इन चीजों से प्रकृति जैसे अच्छा लगना लग जाता था कि वहीं पर आदमी रहे या फिर जंगलों में जाए या फिर हम घूमे, वही चीज अच्छी लगने लग गई थी। एक कुछ होती थी बुरी चीजें, जो दिमाग में कूड़ा कचरा था वो आता ही नहीं था, बिल्कुल ही एक तरह से कह सकते हैं बंद हो गए थे बुरे विचार आने। हमेशा एक अंदर पॉजिटिविटी रहती थी कि ये कार्य है जो मैं, या फिर एक आत्मविश्वास बढ़ गया था कि हाँ ये कार्य मैं कर सकता हूँ, या फिर ये मेरे लायक है, या फिर ये ज़्यादा कठिन नहीं है। इस तरह के कुछ चीज़ें अंदर से पॉजिटिविटी आने लग गई थी। और भी कुछ ऐसी बातें थी जो राम राम से महसूस होना शुरू हुआ कि जब आप ज़्यादा लंबे समय तक जब मैं करता था तो एक ऐसी स्थिति पे भी आ गया था कि मैं किस चीज़ को देखता था तो उसको मैं 2 मिनट तक या फिर 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए, या फिर कह सकते हो बिना कुछ सोचे उसी को बस मैं देखता रहता था। इससे क्या हुआ था कि कुछ दिनों बाद कि एक दो बार कई बार व्यक्ति उसमें टोक भी देता था कि भाई क्या हो गया, फिर कुछ दिक्कत है क्या, तो इस तरह से व्यक्ति बोल देते थे कि कांख हो गया, ऐसे बोल देते दोस्त वगैरह। लेकिन वह भी एक अवस्था होती है जब आप ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान करते हैं तो एक एक शुरुआत है वो ध्यान में जाने की कि हाँ इस अवस्था में आदमी आ जाता है, एक शुरुआती अवस्था होती है, ज़्यादा गहरी नहीं होती है, लेकिन वो आप महसूस करोगे। मैं दिन में 2-3 बार या बीच बीच में एक बार एकदम ही ध्यान किसी चीज़ की तरफ जाता हूँ, उसी की तरफ देखता रहता था ध्यान, और ध्यान नहीं रहता था कि हाँ मैं उसको देख भी रहा हूँ। तो यह भी एक अवस्था आ गई थी बीच में जब ज़्यादा ध्यान करने के बाद। और कह सकते हैं किसी भी चीज़ को जब मैं देखता था तो एक निर्विचार भाव से देखता था, मैं ये नहीं सोचता था कि ये बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, या पता रहती थी कि हाँ ये गलत है ये चीज़ जो भी कर रहा है, फिर सही है वो, सही है क्यों कर रहा है, लेकिन एक भावना नहीं जुड़ी थी मन से कि एक होता है कि गलत है सही है, फिर मैं उसको समझाऊँ क्या करूँ, तो उसमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं आता, बस हाँ ये था कि गलत है उसको ठीक होना चाहिए, तो बस ये विचार रहते थे मन में। तो इस अवस्था में भी मैं आया तो कुछ चीज़ें ऐसी अवस्था आई कि, और कुछ बार तो ऐसा होता था कि एक बार नींद थी जो, जिसको मान ले कई बार ऐसा होता था कि पहले तो मेडिटेशन करने से पहले एक चिंता रहती थी, लेकिन चिंता बिल्कुल ही कम हो गई थी, सही समय पर सोना और अच्छा भोजन खाना यही रहता था, और नींद प्रॉपर तरीके से अगर मैं 6 घंटे भी सोता था, 7 घंटे भी, तो उसमें भी एक प्रॉपर तरीके से मुझे नींद आती थी। ये नहीं था कि नींद आने के बाद फिर दोबारा मुझे नींद आ रही है, फिर कई व्यक्ति दोबारा 2 बार सो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई आलस नहीं रहता था मन के अंदर कि हाँ एक मन एक्टिव था, बस एक कार्य करने का मन करता था, खाली बैठने का नहीं, जैसे कि कुछ पढ़ो तो पढ़ते ही रहो, कुछ एक आनंद के भाव रहता था, किसी व्यक्ति से बात करो तो एक प्रसन्नता रहती थी अंदर से, हाँ कि पॉजिटिव, कि सामने वाला भी अच्छा व्यक्ति है अपने की तरह, उसको भी एक तरह से भाव आता था कि ये भी हमारे जैसा ही है जो हम सोचते हैं, ये भी व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। कुछ चीज़ें ऐसी सकती है कि कई बार ज़्यादा लंबे समय होने के बाद ध्यान, कई बार बीच बीच में ऐसा भी होता था कि नहीं लग पाता था, क्योंकि हो सकता है एक टाइमिंग ठीक नहीं बैठती थी कि लेट से उठ के करना मेडिटेशन, या फिर बीच बीच में शोर शराबी की वजह से भी ध्यान नहीं लग पाता, तो बीच में ऐसा होता है कि ध्यान नहीं लग पाता था मेरा भी। लेकिन एक कंटिन्यूअस जब आप लंबा समय होता है तो आप बहुत ऐसी चीज़ें महसूस करना शुरू कर देते हो जो मैंने आपको बताया। हो सकता है कि बहुत सारे व्यक्ति जो मेडिटेशन है वह ध्यान करते हैं जिस प्रकार से, तो उनको भी ये चीज़ें अनुभव होते हैं जो मुझे भी हुई हैं। तो कुछ समय ऐसा भी आता था कि जैसे जो विचार थे मन के अंदर, ना तो वह वर्तमान के बारे में सोचते थे, ना वह भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है उसके बारे में भी इतना ध्यान नहीं रहता, बस जो हुआ था उससे कुछ सीखना होता था तो वो ध्यान रहती थी कि वह चीज़ मैंने गलत की है तो उसको मैं ठीक कर पाऊँ। लेकिन जो वो था वर्तमान में जो विचार थे वह हमेशा रहते थे कि हाँ अभी ये करना है, अभी मुझे यही करना है, या फिर जो होने वाला भविष्य में उसके लिए बस एक था पता रहती थी, और कार्य जो था वर्तमान में, जो विचार थे वर्तमान में ही रहते थे, तो विचार में भी ज़्यादा
आगे पीछे की नहीं सोचता था, वर्तमान में ही विचार रहते थे। और कुछ ऐसी बातें थी जैसे कूड़ा कचरा तो आना दिमाग में एक तरह से बिल्कुल बंद हो गया था। एक शरीर के अंदर एक स्थिरता होती है, एक ठहराव शरीर के अंदर और मन के अंदर, एक ठहराव आ गया था। लंबे समय तक मेडिटेशन के बाद ज़्यादा कुछ इच्छाएं भी नहीं थी कि बस, इच्छाएं भी बिल्कुल कंट्रोल हो गया था। इंद्रियों पे इतना कंट्रोल था कि इंद्रियां मतलब कि हाँ पता रहती थी कि गलत है चीज़, तो इंद्रियां से हमारी 5 इंद्रियां हैं उस पर भी हमारा मेरा अच्छे प्रकार से कंट्रोल पकड़ बन गई थी। और अब भी है कंट्रोल, क्योंकि अभी भी मेडिटेशन करता हूँ तो अभी भी मुझे पता रहती है अच्छा और गलत चीज़ों में एक स्थिरता रहती है। तो ये कुछ भी अनुभव मुझे महसूस हुए, क्योंकि इस पे ध्यान में क्या होता है, हमारा जो हमारे इंद्रियों पे जो मेन है, इंद्रियों पे हमारा एक कंट्रोल बन जाता है कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो उस पे एक पकड़ होती है हमारी ध्यान करते हुए। तो इस पे भी एक अच्छा मुझे जो लगा, एक हमारे फालतू के विचार और फालतू की जो चीज़ें इंद्रियां जो मुझसे करवाती हैं बुरी चीज़ें, उस पे भी मेरा अच्छे प्रकार से एक कंट्रोल हो गया था, अब भी है वो। तो ये कुछ अनुभव हैं जो मुझे महसूस हुए, हो सकता है आप भी जो करते हैं उनको भी ऐसे ऐसे अनुभव महसूस होते हों या हो हुए हों पहले भी। तो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या फिर कुछ बताना चाहते हैं मुझे बता भी सकते हैं, शेयर करना चाहते हैं कुछ बातें, शायद मैं आपकी कुछ मदद भी कर सकूँ उसके अंदर। तो अगर कुछ बात शायद हो सकता है मुझे याद ना हो तो मैं बाद में भी आपको बता सकता हूँ। तो ध्यान से सुनने के लिए मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार।